हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फन। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम आपको अपने गार्डन की सब्जी दिखाने जा रहे हैं जो मोस्टली कोई भी अपने घर में लगा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो आज का। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा भिंडी का पेड़। तो इसमें से आज हम ये भिंडी कट करने जा रहे थे तो सोचा वीडियो बना लें, आप लोगों को भी दिखा दें। देखिए बिल्कुल फ्रेश है और इसको इसका फ्लावर देखिए बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, हल्का सा येलो कलर का होता है और ये बहुत अच्छा लगता है देख के। और आप देख सकते हैं हमारी सब भिंडी में काफ़ी सारी भिंडी लगी, अभी कुछ फल छोटे छोटे से हैं, कुछ में भी फूल लगे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे भिंडी के पेड़ में कीड़ों का अटैक हो गया था जिसके वजह से ये इसकी पत्तियां ख़राब हो गई थी। और ये देखिए, लेकिन घर पे ही हम लोगों ने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला, बल्कि घर पे ये इसका पेस्टिसाइड बना के उसका स्प्रे किया है जिसके वजह से काफ़ी हद तक कीड़ों का अटैक रुक गया है। ये दो ही तीन पत्तियों पे अटैक हो पाया था, उसके बाद आप ये सब देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश है, इस सब पे कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है। और दो तीन बार अगर इस पेस्टिसाइड को और स्प्रे करेंगे तो ये जो थोड़े बहुत से असर हैं वो भी बिल्कुल चला जाएगा। तो आइए इधर इधर से भिंडी ये देखिए, यहाँ भी लगी हुई है, इसका फ्लावर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। भिंडी की सब्ज़ी बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती है, खासकर हमें तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आप देखेंगे तो इसके नीचे नीचे जो पेड़ के ये जो तने होते हैं इसी में ये भिंडी निकलती है। ये आप पेड़ को ज़्यादा हिलाइए नहीं, बस नीचे झुक के इसका तना देखिएगा तो उसी में ये भिंडी निकलेगी। ये देखिए आप, ये कीड़ा देखिए, यही कीड़ा रहता है भिंडी पे, इसी कीड़े के अटैक से ही सारी पत्तियाँ छेद छेद सी हो गई। ये आप कीड़ा देख सकते हैं, इसको दो तीन बार और इसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो ये जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं ये भी चले जाएंगे। इसमें इसी तरह के कीड़े लगते हैं जिसकी वजह से पत्ते ख़राब हो जाते हैं। गार्डन में अगर थोड़ी सी भी स्पेस में ये सारी चीज़ें लगा ले तो एक दिन की सब्ज़ी तो आराम से निकल जाती है और बिल्कुल फ्रेश रहती है, किसी भी तरह की कोई केमिकल नहीं होता है इसमें, एकदम फ्रेश आप ले सकते हैं इसको। और भी सब्जियां लगाए हैं, आप किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी और भी सब्जियों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि हमने अपने गार्डन में और किन किन सब्जियों को लगाया हुआ है। पेड़ भिंडी के काफी बड़े हो गए हैं और इसके बीच बीच में भिंडी ज्यादा लगी हुई है। बचा के काटना भी रहता है ये भिंडी जो है ये गड़ती भी बहुत है, इसमें छोटे छोटे से कांटे ऐसे निकले रहते हैं, ये हाथ में लग जाती है तो खुजली होती है। इधर से जा लगी हुई है, हर तरफ से काफी बड़े हो गए हैं और भिंडी बीच बीच में हो गई है, इसकी वजह से
इसको तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और पहले से नहीं तोड़ा था, सोचा था जब तोड़ने लगेंगे भिंडी को तो आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे भिंडी की। और इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई भिंडी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताएंगे कि हमने कौन सा पेस्टिसाइड बना के डाला था जिसके वजह से इससे कीड़ों का जो अटैक हुआ था वो कम हो गया था। तो फ्रेंड चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।